से आम आदमी पार्टी के प्रणब सिंह जी, उनके साथ सारे साथी जितने भी बैठे हैं, लड़ाई से मंच पर बैठे हुए साथियों का स्वागत करती हूँ। मेरे बहने मातृशक्ति, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए, मैं दिल्ली गैलरी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिनके लिए हम सब यहाँ पे आए हुए हैं, उनके लिए हमें सारी मामला मतदान कर रहे हैं। मैं आज आपके बीच में लोकसभा के पहले चरण में फर्स्ट फेज का जो चुनाव है 19 तारीख को, उसमें लाल सिंह जी के समर्थन में आपसे वोट मांगने, आशीर्वाद मांगने, समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हो। ये कठुआ के यहां के लोगों का प्यार है। अभी मंच में मुझे बोल रहे थे, मेरा आने का कार्यक्रम था आज का, कल प्रियंका गांधी जी राजस्थान में थी दौसा में, वहां से मैं जयपुर गया, जयपुर से दिल्ली आया, दिल्ली से जम्मू गया, जम्मू से आपके बीच में आया, और बहुत दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा, लेकिन आपसे आकर मिलने का मेरा मन था। और मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि मुझे मौका मिला कि आपके बीच में यहां पर आया हूं। और मैंने पूछा भाभी से, मैंने कहा भाई लाल सिंह जी कहाँ है, कहती है सचिन जी उनको चलने का बहुत शौक है, वो पैदल चलते हुए आ रहे हैं। तो जब लाल सिंह जी यहाँ पर आए तो मैंने कहा भाभी आप तो झूठ बोल रही थी, आपने कहा वो पैदल चल रहे हैं, वो तो कंधों में बैठ के आ रहे हैं यहाँ पर। तो लाल सिंह जी का एक अलग अंदाज है। लोकसभा में जब यहां से सांसद थे, मैं भी उस समय सांसद था, हम लोगों ने समय बहुत बताया लोकसभा के अंदर, और लाल सिंह जी का स्टाइल कुछ अलग ही है, मान लो आप लोग, इतना अलग है कि पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे स्पीकर थे, जब वो लाल सिंह जी का नाम बुलाते तो बहुत डरते थे, लाल सिंह ने बोलना शुरू किया तो कहां जाके खत्म करेगा पता नहीं किसी को। और ये खासियत लाल सिंह जी की इसलिए थी साथियों, उनकी आवाज में जो बुलंदी है, जिस ताकत से वो बात को रखते हैं दिल्ली में वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप सबका प्यार और आशीर्वाद उनके साथ है, आप उनकी ताकत हो। और ये आज का जो चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है, ये बीडीसी का, ब्लॉक जिले का चुनाव नहीं, ये पूरे मुल्क का चुनाव है। पूरी दुनिया देख रही है कि कठुआ के लोग, उधमपुर के लोग, चनाब के लोग, डोडा के लोग, आप सब लोग किसका बटन दबाते हो। ये मुल्क की तकदीर तय करने का चुनाव है। अगले 5 साल तक इस रियासत का, इस देश का क्या हाल होगा, क्या दिशा होगी, क्या दशा होगी, इसका निर्णय आपको करना है। आपकी एक एक वोट कीमती है और मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, अपने वोट को जाया नहीं करना। आपकी वोट से लाल सिंह जी जीतकर जाएंगे दिल्ली में, फिर डंका बोलेगा और कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बदलाव की लहर, साथियों बदलाव की लहर पूरे देश में है। मैं आंध्र प्रदेश गया, केरल गया, महाराष्ट्र गया, पंजाब गया, हरियाणा गया, राजस्थान में घूम कर आया हूं, छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मीडिया में जो प्रचार हो रहा है, अखबार में, टेलीविजन में, व्हाट्सएप पे, वो असलियत नहीं बयां कर रहे हैं। असलियत यह है कि 10 साल की इस भाजपा सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं,
जनता बोल रही है 10 साल की रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। आपने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वादा किया था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आपने 10 साल में पूरी बहुमत वाली सरकार चलाई और अंत में जो हाल देश के बना दिए वो छिपे नहीं हुए। आज महिला है, गरीब इंसान है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, छोटे दुकानदार वाला, वो सब पूछ रहे हैं ये सरकार काम किसके लिए कर रही है। हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? हमारे हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेल, पोर्ट सारे निजी हाथों में देते जा रहे हैं। मुझे खुशी है साथियों कि हमारी पार्टी ने गारंटी दी है। ये हमारी पार्टी की 5 गारंटी है। हमने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए अपना वचन दिया है। और मैं आपको वादा कर जाता हूं, देश में जो गरीब परिवार है उस परिवार की जो महिला है उसके खाते में साल का 1 लाख रुपए हमारी सरकार बनने के बाद हम देंगे। और मैं भाजपा के साथियों को बोलना चाहता हूं, आपने जो रियासत का हाल किया है, आपने राज को यूटी बनाया है। और मैं 2 दिन पहले देखा प्रधानमंत्री ने बोला हम राज का दर्जा वापस देंगे। आप कोई एहसान नहीं कर रहे, ये अधिकार है, ये संविधान देश का है। और आप औरों के किए हुए पर अपनी पीठ थपथपाते हो। साथियों मैं मन से बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, सितंबर से पहले होंगे, और ये सरकार नहीं करा रही, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आपको कराना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड इलीगल है। कोर्ट के आदेश से यह काम होता है और आप फोटो खिंचवाते हो। लाल सिंह चौधरी तो जीतेगा जीतेगा। मैं तो चाहता हूं कि हम जम्मू भी जीते, हम तीनों सीट वैली की भी जीते और पूरे उत्तर भारत में। और बीजेपी के तमाम नेता आज यहां पे आके चुनाव की वोट मांग रहे हैं। 10 साल से सरकार आपके पास थी और हम चाहते हैं साथियों एक नई आवाज बुलंदी से पैदा करें। हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इतना ही भाषण है बीजेपी के नेताओं। बीजेपी के नेताओं का स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, निवेश, बेरोजगारी, महंगाई, महिला, नौजवान, किसान, खाद, बीज, बिजली, पानी कोई मतलब नहीं। लोगों को इकट्ठा करो, जज्बात से खेलो, लचीले भाषण दो, अखबार, टेलीविजन, फोटो, 24 घंटे टीवी ऑन करो, एक ही फोटो, एक ही फोटो, एक ही फोटो, रेडियो भी नहीं छोड़ा, 24 घंटे का प्रचार करना। और हालात ये हो गई है, आज जो खाई बन गई है गरीब और अमीर की, आज से पहले ऐसा नहीं था। सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, मैं उनकी सरकार में काम करता था, हम झगड़ा करके काम करवाते थे। मनमोहन सिंह जी कहते होगा हमने एमएसपी पे कानून बनाने का वादा किया है। और यहां पर जब से गवर्नर साहब का रूल चला है यहां पर बाहर के लोग आके जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। जिस जमीन पे किसान खेती कर रहा है दशकों से उसकी जमीन लेके दी जा रही है। भेदभाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, बदला लेने की राजनीति हो रही है। इस देश में विचारधारा अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, लेकिन निर्वाचित जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं उनको आप जेल में डाल दोगे, विपक्ष की आवाज को खत्म कर दोगे। कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी ऑपोजिशन की है, हमारे खाते सीज कर दिए। कहते हैं 1994 में नोटिस दिया था कांग्रेस के खाते सीज कर दो, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दो, विपक्ष की आवाज को खत्म कर दो। निर्वाचन आयोग चुपचाप देख रहा है। आपने देखा चंडीगढ़ में चुनाव थे, मेयर के चुनाव, वहां पे निर्वाचन अधिकारी बैठ के खुद वोटें खराब कर रहा। सुप्रीम कोर्ट को दस्तक देनी पड़ी तब जाके न्याय वहां पर हुआ। मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, बहुत से दल पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत से नेता को आपने देखा है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा आपके दुख दर्द का भागीदार कौन रहा। मैं दावे से कह सकता हूं लाल सिंह जी आपके दुख और दर्द में शामिल रहे, अच्छे पूरे समय उनके साथ रहे। और अपने पराये में अंतर करना सीखो, वो लोग नहीं, वो लोग जो दिल्ली से आके भाषण दे जाते हैं और आपको बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, हम उस पार्टी के लोग हैं
आजादी से पहले से लेकर आज तक इस कांग्रेस ने खून पसीने से इस जम्मू और कश्मीर को सींचा है, लोगों को इकट्ठा रखा है, हमने कुर्बानियां दी हैं, अपना सियासी नुकसान भी करवाया है, लेकिन लोगों की और जमहूरियत को ताकत देने का काम हम लोगों ने किया है। मैं तो सिर्फ आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, 19 तारीख को वोट पड़ेगा, बड़े बड़े लोग चुनाव यहां से लड़ रहे हैं, लेकिन अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने उस जाबाज नेता को आपको दोबारा दिल्ली भेजना है। दिल्ली भेजोगे नहीं भेजोगे? आवाज नहीं आई भाई, दिल्ली भेजोगे नहीं भेजोगे? अब मेरे बाद लाल सिंह जी भाषण देंगे। मैं रमन भल्ला जी के क्षेत्र में जा रहा हूं, लेकिन मैं जब इतनी दूर से आया हूं तो जब तक मेरे मन में संतुष्टि नहीं होगी और मैं आज यहां खड़ा हूं उस क्षेत्र में, मैं याद करना चाहता हूं स्वर्गीय मंगलराम शर्मा जी को। उन्होंने, स्वर्गीय पायलट साहब ने, जब मुसीबत का दौर था, जब रियासत में आतंकवादी थे, यहां गोलियां चलती थी, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था, तब हमारे दल के नेता के यहां पे लोगों का हाथ थामते थे। ये बीजेपी वाले कहां घूमते थे उन दिनों में? कहां थे भाषण, कहां थे विज्ञापन? अपने पराये का पता पड़ता है जब दुख और मुसीबत होती है। अच्छे समय में, जलसे में, शादी ब्याह में, खुशी में, त्योहार में सब लोग आ जाते हैं, लेकिन मातम मनाने के लिए, दुख में आंसू पोंछने के लिए, कठिनाई में हाथ थामने के लिए जो आता है वही अपना होता है। इसलिए लाल सिंह जी की आज मैं जमानत देने आया हूं। हमारे बहुत से साथी, और लाल सिंह जी का जो भाषण है ना, वो थोड़ा तीखा रहता है, उस तीखे भाषण के चक्कर में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मन साफ है। जो जोर से बोल सकता है, इसका मन साफ है, वही बोल सकता है। जिसने कभी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा हो, जिसने कभी जनता के बीच से अपने आप को अलग नहीं रखा हो, सत्ता में हो, विपक्ष में हो, आपके हर दुख दर्द में आपके बीच में शामिल रहा हो, ऐसे व्यक्ति को जिताकर भेजो, ताकि आन बान शान दिल्ली में जाकर बने। मैं आपका वादा लेने आपसे आया हूं, कोई नहीं है टक्कर में, आवाज नहीं आई, कोई नहीं है टक्कर में, आखिरी बार बोल रहा हूं, गला फाड़ के बोलूंगा, कोई नहीं है टक्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।